नमस्कार। हर साल जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा नज़दीक आने लगती है, मुझे मेरे गुरुओं की, सुरेश बाबूजी माने और हीराबाई जी बड़ोदेकर की यादें ताज़ा होने लगती है। आज मैं खुद गुरु के स्थान पर बैठी हूँ। इस स्थान पर बैठने की जिम्मेदारी मैं अनुभव कर रही हूँ। अन्य कलाओं से संगीत कला बिल्कुल अलग है। एक तो उसमें दृश्य कुछ भी नहीं, केवल सुनकर उसका अनुभव करना पड़ता है। कानों पर पड़ते ही सुर मिट जाते हैं। संगीत की अपनी अलग भाषा है, स्वर लय की भाषा। विश्व की किसी भी चीज़ से संगीत का साम्य नहीं है। संगीत कला अमूर्त होने से उसे सीखने सिखाने का तरीका भी बिल्कुल अलग हो जाता है। संगीत का स्वरूप सबसे अलग होने से संगीत सीखना ख़त्म ही नहीं होता। स्वरों के बिंदु समान सूक्ष्म स्थानों को पहचानना, उनका प्रस्तुतिकरण करते समय हर बार उसी स्थान को छूना, राग ताल और संगीत प्रकार का अभ्यास करके स्वरों को अलग अलग तरीके से जोड़कर सुंदर स्वर वाक्यों से संगीत निर्मित करना, अमूर्त राग की आत्मा को छूकर राग को जीवित करना, ताल लय के माध्यम से राग में चैतन्य लाना, भाव निर्मिति, स्पष्ट नादमय शब्दोच्चार, आवाज़ का नाद गुण और अपेक्षित काम करने की उसकी क्षमता बढ़ाना, ख्याल ठुमरी गीत जैसे संगीत प्रकारों का वैशिष्ट्य दिखाते हुए प्रस्तुति करना, शास्त्र और परंपरा को परखते हुए बदलते समय को ध्यान में रखकर साधना के रास्ते पर चलते रहना, ऐसी कितनी सारी बातें सीखना शुरू होने के बाद ही ध्यान में आने लगती है। संगीत शिक्षा और साधना का अनजान रास्ता कभी ख़त्म ही नहीं होता। सुरेश बाबू जी के पास एक साल तक मेरा यवन राग सीखना चालू था। सीखते समय जो यमन में अनुभव करती थी, उसका आधा भी रियाज करते समय हाथ नहीं आता था। उस समय लिख कर देने की प्रथा नहीं थी और आज जैसी रिकॉर्ड करने की सुविधा भी नहीं थी। सीखते समय जितना याद रहता था उसी को लेकर रियाज करना पड़ता था। बाबूराव जी से मैंने इसके बारे में पूछा तो वो कहने लगे, तुम्हें स्वयं की सोच से गाना है। जो यमन तुम गाओगी वो तुम्हारा यमन होना चाहिए, मेरी नकल नहीं। गाने की समझ या नज़र मुझे बाबूराव जी से ही मिली। नैसर्गिक सुरीली आवाज़ होना एक अलग बात है और गाना सुर में है कि नहीं इसका एहसास होना एक अलग ही बात है। ये बात जब मेरे समझ में आई तो एक एक स्वर गाते हुए सर पर भारी वजन महसूस होने लगा। सिखाते समय बाबूराव जी एक ही स्वर के, स्वर वाक्य के अनेक रूप दिखाते थे। राग विस्तार का यही तो राज है। चलन बदला, कर्ण बदला, आघात बदला, आसपास के स्वरों के संगति बदली या लय बदली तो वही स्वर वाक्य कभी ठुमरी का, कभी नाट्य संगीत का रूप ले लेता है, अलग असर करता है। ये सब बातें समझने में देर लगती है। इसी कारण कला क्षेत्र में गुरु का स्थान और गुरु शिष्य का नाता ही अलग हो जाता है।
बाबूराव जी ने मुझे एक भी अप्रचलित या जोड़ राग नहीं सिखाया। वो कहते थे आम श्रोता जिससे परिचित है उन्हीं रागों में कुछ नया कुछ अलग प्रदर्शित करना। अप्रचलित या जोर राग गाने से ज़्यादा कठिन होता है। राग प्रस्तुति करते समय हर बार मैं इसका अनुभव करती हूँ। यमन के बाद सिखाए गए 10-12 राग मैं इतनी जल्दी सीख गई कि मुझे भी आश्चर्य हुआ। किसी एक राग का गहराई से अध्ययन करने के बाद उसी सोच को लेकर अन्य रागों की संगीत सामग्री में नवीनता कैसे लाना ये समझ में आता है। आमतौर पर कितने राग कितनी बंदिशें सीखी इस पर कितना संगीत आता है ये तय किया जाता है। आज मुझसे कोई पूछेगा कि बाबूराव जी ने कितने राग सिखाए तो मैं कहूँगी केवल यमन। आजकल तो एक दिन में एक राग सिखाने की मांग हो रही है। अच्छा गुरु मिलना जितना कठिन है उतना ही कठिन अच्छा शिष्य मिलना भी। संगीत व्याकरण संगीत शास्त्र को लेकर जो संगीत निर्मिति होती है संगीत उसके भी परे है ये एहसास कराने वाले मेरे गुरु सुरेश बाबू माने। महाराष्ट्र के बहुत कम कलाकारों का ध्यान ठुमरी संगीत प्रकार की ओर गया। उसमें भी पंजाबी शैली की ठुमरी की तरफ तो ना के बराबर। बाबूराव जी ने अत्यंत कलात्मक ढंग से किराने घराने के ढांचे में पंजाबी शैलों को ढाल दिया था। बाबूराव जी ने मुझे ठुमरी क्यों नहीं सिखाई इसका सबको आश्चर्य होता है। बात यह है उन्होंने मेरे ठुमरी सुनी थी। मेरा गाना सुनकर ही तो उन्होंने मुझे सिखाने के लिए हाँ कर दिया था। बड़े गुलाम अली खां साहेब और बेगम अख्तर जी की ठुमरियाँ मुझे बहुत पसंद थी। सुरेश बाबूजी के पास जाने से पहले ही मैं ठुमरी गाती थी। मुझ में जो अच्छी बातें थी उनको बाबूराव जी ने हमेशा प्रोत्साहन दिया बढ़ावा दिया। मेरे ठुमरी गायन की वो प्रशंसा करते थे। उस जमाने के गुरु दूसरे कलाकारों को सुनने या उनके संगीत को अनुकरण करने नहीं देते थे। मेरे गुरु उदार थे। शिष्य की नैसर्गिक गुणवत्ता उसकी ग्रहण शक्ति इनको ध्यान में लेकर ही सिखाना होता है। एकाध स्वरमाला लेकर उसकी बढ़त उसका विस्तार कैसे करना ये बाबूराव जी समझाते थे परंतु मुझसे रटने का आग्रह नहीं करते थे। उसी प्रकार की अन्य स्वरमाला को लेकर मुझे अपने विचार से उसका विस्तार करने के लिए कहते थे। इसमें गुरु के कदमों पर कदम रखकर चलने की मांग नहीं थी शिष्य से समांतर चलने की अपेक्षा थी। स्वयं एक श्रेष्ठ कलाकार होने के साथ साथ बाबूराव जी एक बहुत ही अच्छे गुरु थे। कई कलाकार हैं जो खुद अच्छा गाते हैं परंतु अच्छे गुरु नहीं बन पाते। खुद कला की साधना करना आसान है परंतु शिष्यों को अच्छा कलाकार बनाना सबके लिए संभव नहीं होता। इसके लिए गुरु को कितनी मेहनत करनी पड़ती है कितना समय देना पड़ता है इसका कोई हिसाब ही नहीं। आज स्वयं गुरु बनने पर मुझे महसूस होता है कि सिखाते समय
अपने भीतर के कलाकार को जीवित रखना कितना कठिन है। सिखाते समय बार बार एक ही बात कहने से, सुनते रहने से, अनजाने में भीतर का कलाकार भी उसी चौकट में बंध जाने की संभावना रहती है। गुरु बनने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये बात आज गुरु बनने के बाद मेरी समझ में आ रही है। बाबूराव जी ने अप्रत्यक्ष रूप से एक आदर्श मेरे सामने रखा था, स्वतंत्र विचारों का। उसका महत्व आज मेरी समझ में आ रहा है। स्वतंत्र विचार करने वाला कलाकार ही संगीत जगत में अपने सांगीतिक व्यक्तित्व की अलग पहचान बना पाता है। संगीत गणित नहीं और तंत्र भी नहीं, स्वर और लय के माध्यम से निर्मित संगीत एक अनुभव, एक तलाश है। इस तलाश की अनुभूति को श्रोताओं तक पहुंचने का कठिन काम कलाकार करता है। महफिल की सफलता का इसलिए कोई गणित नहीं होता है। हर एक महफिल एक नई तलाश है। बाबूराव जी ने मुझे स्वरों के रंग दिए, लय का कूचा या ब्रश दिया, स्वतंत्र विचारों के पंख दिए, संगीत के अनोखे जगत का परिचय करवाया। उस जगत की अवर्णनीय सुंदरता को आज मैं श्रोताओं के साथ बांट रही हूँ, इसका मुझे बहुत आनंद है। गुरु शिष्य का नाता गंगा यमुना समान, एक दूसरे में घुल मिल जाने के बाद भी अपनी अलग पहचान रखने वाला। बाबूराव जी को गए कई साल हो गए, परंतु अभी भी यमन अधूरा सा लगता है। वे आज जीवित होते तो मैं पुनः उनसे यमन सीखने की जिद करती। बाबूराव जी और मेरे बीच का ये नाजुक मुलायम धागा है। बाबूराव जी का देहांत होने के बाद किसी अन्य गुरु के पास जाने का मेरा मन नहीं किया। साधना के रास्ते पर मैं अकेली चल पड़ी। जब मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट की संगीत के लिए स्कॉलरशिप मिली, उनके नियमानुसार मुझे किराना घराने में ही सीखना था। इसलिए वो दो साल मैं बाबूराव जी की बड़ी बहन हीराबाई जी के साथ सारे भारत पर उनके महफिलों में संगत करती रही। घर में साधना करना और महफिलों में गाना, इसमें कितना अंतर है, इसका मैंने उस समय अनुभव किया। इस अनुभव का मुझे बहुत लाभ हुआ। महफिल में श्रोताओं की उपस्थिति, उनकी पसंद, उनका प्रोत्साहन, इसका गाने पर बहुत असर होता है। महफिल की सफलता कलाकार और श्रोताओं के संवाद पर भी निर्भर होती है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मेरे साथ है। आज मेरा एक स्वतंत्र सांगीतिक व्यक्तित्व है। जिस ऊंचाई पर आज मैं खड़ी हूँ, उसका सारा श्रेय मेरे गुरुओं को और मेरे श्रोताओं को जाता है। धन्यवाद।